दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों आज बात करेंगे हम बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध ग्रह 13 नवंबर को अपनी राशि जो है वो बदल रहे हैं। अभी फ़िलहाल वो तुला में चल रहे हैं तो 13 नवंबर के बाद वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक राशि में मेष से लेके मीन लगन तक क्या फल क्या फलित रहेगा, पूर्ण विवेचना हम करेंगे। गुजारिश आपसे यही है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब हम लाइव आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों बेसिकली राशि परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। हर महीने कोई ना कोई ग्रह अपना एक घर छोड़ के नेक्स्ट घर की तरफ बढ़ता है, तो हर ग्रह किसी न किसी चीज़ का कारक भी है। अब जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध ग्रह जो है ये बेसिकली आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की डेली इनकम और आपका व्यापार है। व्यापार के साथ साथ ये आपकी कम्युनिकेशन भी है, ये आपका दिमाग भी है और दिमाग में चलने वाली हलचल कहीं ना कहीं ये भी बुध और राहु का मेल ही होता है। तो बुध सामाजिक इज्जत भी है, बुध नौकरी भी है, तो बुध कहीं ना कहीं अगर ख़राब हो तो डिप्रेशन भी है। नसों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब बुध ग्रह से होती हैं। बहने बुध है, बुआ बुध है, मासी बुध है, घर में पड़ी हुई तुलसी जो है वो भी बुध है। तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ग्रह बोला गया है कि जिसके बिना आपकी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि दिमाग से ही हम अपने सारे कार्य जो है वो करते हैं। तो बात करेंगे हम मेष लगन वालों की। दोस्तों मेष लगन वालों के अष्टम भाव से बुध का होगा गोचर, तो मेष लगन वालों का ये समय जो रहेगा ये बड़ा पीड़ित समय रहेगा। अष्टम भाव का जो बुध होता है ये शमशान की राख है, कहने का मतलब ये मंगल बध का भाव होता है और शुक्र भी वहीं पे होंगे, बुध का मेल होगा। तो शादीशुदा जिंदगी की समस्याएं, मेंटल स्ट्रेस की समस्याएं और आपका दिमाग एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा, व्यापार में घाटे बढ़ जाएंगे या फिर आप जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगाएंगे तो वहाँ से भी आपको निश्चित तौर पर नुकसान देखने को मिलेगा। तो मेष लगन वालों के लिए समय बिल्कुल भी फेवर में नहीं है किसी भी व्यापार करने के लिए। बात करेंगे वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन वालों की है पौ 12, सप्तम भाव का बुध, वो भी कहीं ना कहीं व्यापार के भाव में आएगा। तो आपकी रुकी हुई डीलिंग, आपका रुका हुआ कोई ना कोई सौदा कंप्लीट हो जाएगा, पैसों की बारिश आपके ऊपर होने वाली है। सप्तम का बुध आपको कहीं ना कहीं नई इनकम की ओर लेके जाएगा और आपका पैसा जो किसी पे भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पब्लिक डीलिंग और धन दोनों भावों के स्वामी आपके बुध हैं और आपके केंद्र के भावों में बैठेंगे और सप्तम भाव में बैठ के वो लगन को भी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा और पैसा आने के रास्ते बनेंगे। बात करेंगे हम मिथुन लगन की। छठे में बुध आएंगे, लग्नेश हैं तो लगन का स्वामी छठे में बैठेगा। हालांकि छठे भाव में बुध जो है वो उच्च के होते हैं लेकिन यहाँ पे लग्नेश छठे में आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका यहाँ पे नसों या सिर दुखने की समस्याएं जो हैं वो रह सकती हैं, लेकिन व्यापार की तरफ से आपकी बुद्धि जो है वो काम करेगी, नए नए अवसर मिलेंगे, नौकरी के अवसर आपको मिलेंगे और कहीं ना कहीं कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय आपके फेवर में है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम कर्क लगन की। तो कर्क लगन के पंचम भाव में बुध बैठेंगे। अब पंचम भाव का बुध अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फकीर की आवाज़ बोला गया है। पंचम भाव में बुध बड़े अच्छे होते हैं, लाजवाब होते हैं, कॉमन सेंस, टेक्निकली माइंड और दूसरों को अच्छी सलाह देके उनके काम बना देना पंचम का बुध होता है। हर प्रकार की नॉलेज होती है। तो कर्क लगने वालों का थोड़ा सा झुकाव जो है इस महीने बुध के प्रवेश के कारण बाहर की चीज़ों में लगेगा। कोई ना कोई बुक्स रीडिंग आप कर सकते हैं, ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं या फिर कोई ना कोई अवसर आपको ऐसे मिलेंगे कि आपके जो रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। तो कर्क लगने वालों के लिए समय अच्छा है।
बात करेंगे हम सिंह लग्न की। सिंह लग्न के फिलहाल अभी जो बुध हैं वो थर्ड हाउस में चल रहे हैं, तो अभी आपका कोई भी काम नहीं बन रहा होगा। जैसे ही बुध फोर्थ हाउस में आएंगे तो आपके बिजनेस के रास्ते जो हैं वो दो तरफा खुलेंगे, एक तरफा जो आप व्यापार कर रहे हैं तो दूसरी तरफा आपको कमीशन के काम जो हैं वो मिल जाएंगे, ऑफर मिल जाएंगे। जैसे ही सूर्य 16 नवंबर को आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में प्रवेश करेंगे तो सूर्य बुध की युति के कारण आपके बनते हुए सारे काम जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देने वाले बन जाएंगे दोस्तों। तो धन बाप के स्वामी हैं, फोर्थ में आके बैठेंगे, राजयोग देते हैं। बात करेंगे हम कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न वालों को रहना है सावधान, क्योंकि तीसरे भाव में बुध बैठेंगे। रिलेशन को ख़राब करने का काम जो होता है वो तीसरे भाव का बुध करता है। आपके लग्न के स्वामी हैं, दिमाग से थोड़ी सी आप मार यहाँ पे खा जाएंगे, दूसरों से सलाह ले लीजिएगा, अपनी सलाह से चलेंगे तो नुकसान भी खाएंगे और रिश्ते भी खराब करेंगे। कहीं ना कहीं दांतों की समस्याएं, बैक पेन की समस्याएं, सिर दुखने की समस्याएं, बागे में रुकावट और बड़े बुजुर्गों को आस्थमेटिक कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो आ सकती हैं। कर्जे बढ़ने के हालात जो हैं वो कन्या लग्न वालों के बन सकते हैं। बात करेंगे तुला लग्न की, तुला लग्न के दूसरे भाव में बुध देव आएंगे। तो दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव और फोर्थ भाव, ये दोनों भावों में बुध जो हैं ये राजयोग देते हैं। आपके कहीं ना कहीं द्वादश भाव के स्वामी हैं, बाग्या भाव के स्वामी हैं, दूसरे में बैठेंगे तो फौरन से कहीं ना कहीं कोई क्लाइंट्स के थ्रू आपको पैसा आएगा, खर्चा तो होगा लेकिन पैसे के स्रोत जो हैं वो आपके बन जाएंगे, परिवार से आपको मदद मिल सकती है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आपने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी ज़ुबान पे काबू रखना है, नॉन वेज ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और कोई भी किसी भी प्रकार के हरे रंग का सामान अपने घर में आपने नहीं लेके आना है। ओवरऑल टाइम आपके फेवर में है, धन के रास्ते बनेंगे ही बनेंगे। बात करेंगे हम वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न के लग्न में बुध बैठेंगे। अब लग्न में बुध जब बैठते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं इंसान की बुद्धि में हलचल पैदा करते हैं, इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। अगर नौकरी कर रहा होता है तो उसको लगता है कि मैंने बिजनेस करना है, बिजनेस कर रहा होता है तो बिजनेस को वाइंड अप करके कोई और नया बिजनेस शुरू कर लेता है। तो यहाँ पे बुध के अरसे में आपको कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना है, अपनी बहनों से बना के रखनी है और जुबान के ऊपर काबू रखना है, किसी भी प्रकार का नशा आपने नहीं करना है। ओवरऑल टाइम आपके फेवर में है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पेशेंस से दिमागी तौर पे सलाह लेके कोई भी कार्य आप करेंगे तो आपके फेवर में वो पीरियड जाएगा ही जाएगा जैसे ही सूर्य आपके लग्न में 16 नवंबर को आएंगे। बात करेंगे हम धनु लग्न की, तो धनु लग्न वालों को रहना है बड़ा सावधान। द्वादश में बुध का गोचर होगा, वो भी वृश्चिक राशि में, अष्टम की राशि है, द्वादश भाव है और ऊपर से बुध है, तो अच्छे खासे काम को रुकवा देते हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाती है, मियाँ बीबी के अंदर क्लेश बढ़ जाता है, अपनी बातों के बहस के कारण अपने रिलेशन को ख़राब कर लेता है इंसान। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धनु लग्न वालों को थोड़ा सा समय जो है वो कठिन है, आराम से और पेशेंसली आपको टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। बात करेंगे हम मकर लग्न की, तो लाभ भाव में बुध देव आएंगे। लाभ भाव में जब बुध देव आते हैं तो इनकम को कई गुना अच्छा करते हैं, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं जब दो नंबर के काम करना शुरू कर देता है, जुआ सट्टा लॉटरी इन चीज़ों में पड़ जाता है तो इंसान को डबल मार भी देते हैं। तो इसीलिए 11वें भाव में बुध जब आएंगे तो आपको आपके बड़े बुजुर्ग अगर घर पे हैं तो उनसे इस महीने आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा और अपने पिता समान जो अभी आपके बाहर रिश्तेदार हैं उनसे भी मेल मिलाप जो है वो आपको रखना है। ओवरऑल चुस्त चलाकी से रहना है, लेकिन धर्म कर्म के काम भी आपको जरूर करने ही करने हैं, समय आपके फेवर में है। बात करेंगे हम कुंभ लग्न की, तो दसम भाव में बुध का होगा गोचर। दसम भाव में जब बुध देव आते हैं तो बिजनेस के रास्ते खोल देते हैं, नए नए अवसर आपको मिल जाते हैं, नौकरी में प्रमोशन हो जाती है और नए नए एक्सपेरिमेंट इंसान करता है, रुके हुए कामों को पूरा करेंगे, चुस्त चलाक हो जाएंगे, सुस्ती दूर हो जाएगी और अपनी क्लेवर बुद्धि के कारण नए नए अवसर आप खुद पैदा कर लेंगे। तो ओवरऑल कुंभ लग्न वालों के लिए समय फेवर में है। बात करेंगे मीन लग्न की, तो मीन लग्न वालों का अभी समय जो है वो एवरेज है, क्योंकि मीन लग्न वालों के बाग्या भाव से बुध का गोचर होगा। अब बुध का गोचर जब बाग्या भाव से होगा तो आपकी बुद्धि में विचार तो पैदा होंगे लेकिन वो काम आपके सिरे नहीं चढ़ेंगे, कामों में रुकावटें अड़चने आना स्वाभाविक है, नाइन्थ हाउस का बुध है तो
गलत संगति में पड़ के अपने रिलेशन को खराब नहीं करना है। भाग्य में रुकावट अभी आपकी कुंडली में रहेगी। जैसे ही सूर्य आपकी कुंडली में नाइन्थ भाव में आएंगे 16 नवंबर को, तो उसके बाद आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति के कारण आपका भाग्य जो है वो ऊंचाइयाँ छू लेगा। ओवरऑल टाइम आपके अभी फेवर में इतना नहीं है। दोस्तों ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी सारी मेष से लेके मीन लगन तक। आप जब भी ये कुंडली या अपनी विवेचना पढ़ेंगे तो आपको ये विवेचना अपने लगन के अकॉर्डिंग ही देखनी है, राशि के अकॉर्डिंग नहीं देखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।